मध्य प्रदेश के बानपुरा में स्थित ज्योतिर्मठ की अवतारण पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ शनिवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। साथ ही शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान ज्ञानानंद तीर्थ ने बताया कि जगत पिता ब्रह्मा का स्थल अति प्राचीन तीर्थों में से एक है। चातुर्मास प्रवास के लिए इस तीर्थ से उत्तम स्थल भूलोक पर नहीं हो सकता। उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की जर्जर अवस्था को देखते हुए कहा कि यदि मंदिर का कुछ हिस्सा ढह गया तो जनहानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्थानीय प्रशासन सहित सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगाई कि जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के जर्जर स्वरूप को देखते हुए जल्द ही पुनरुद्धार कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इस दौरान उनके सैकड़ों शिष्य भी साथ में मौजूद रहे। कस्बे के वैष्णव धर्मशाला में शंकराचार्य के सानिध्य में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालु इन धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। पूज्य पाद भगवत पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान के पावन चरण सानिध्य में आने का समय समय पर अवसर प्राप्त होता रहता है। चातुर्मास प्रवास के अंतर्गत हमने एक बात यहाँ की पहुँचाई थी आप सभी के माध्यम से, राज्य सरकार राजस्थान को, कि ये पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे, क्योंकि कुछ भाग बहुत जीर्ण है, किसी भी स्थिति में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। उधर सभी राज्य सरकार के प्रभावी जिला कलेक्टर से लेकर सचिव, प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री महोदय को तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि ये परिसर बहुत जीर्ण हो रहा है, कुछ मंदिर का हिस्सा गिरने की स्थिति में है। हम अपनी इन्हीं आँखों से उसका आलोक प्राप्त कर रहे हैं कि ये जीर्ण है, किसी भी समय बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। धनहानि तो होगी होगी, पर जनहानि की भी संभावना, इसलिए अभी तत्काल समय रहते जनहानि और धनहानि दोनों को रोका जाकर इसको जीर्ण अवस्था को पुनरुद्धार करने का, क्योंकि विश्व का ब्रह्मा जी का ये प्रथम विश्वविख्यात स्थान है, इसलिए राज्य सरकार को, राज्य सरकार में बैठे हुए महानुभावों को, प्रशासनिक राजनैतिक सभी लोगों को इस कार्य को शीघ्रता से दुरुस्त करना चाहिए। गद्दी के लिए यहाँ पुष्कर के तीर्थ पुरोहित और स्थानीय समाज अगर इस बात को भली प्रकार से सहयोग करेगा तो निश्चित है गद्दी पर कोई उपयुक्त महान विराजमान हो सकता है।